डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ बुक्स, गाइड बुक, मैगजीन और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हमने चाहा कि आज सर्च करते हैं क्या कुछ मार्केट में आया हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने पब्लिशर्स हैं लेकिन बीपीएससी के लिए अच्छे प्रैक्टिस सेट्स की बड़ी कमी है। 3 पब्लिकेशन का हमने देखा कि मार्केट में आया हुआ है लेकिन एक भी हमें पसंद नहीं आया। अब इसे विडम्बना कहेंगे हम, चूँकि छात्र अगर चाहें तो आप मार्केट में जाकर देख सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में आए हुए हैं लेकिन ये बड़े काम के हमें नहीं लगे। हालांकि आने वाले समय में अभी बहुत कुछ आएगा, चूँकि टाइम बाकी है, काफ़ी लोग तैयार कर रहे होंगे सेट्स, तो मार्केट में अभी आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन आज के दिन में हमारे पास कहने के लिए एक भी ऐसा हमें नहीं लगा कि हम आपको बताएं कि आप इससे प्रैक्टिस करें बीपीएससी के लिए। चलिए, कल के जो 7 क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आप लोगों ने दिए, काफ़ी लोगों ने ऑल द 7 आंसर किए, करेक्ट आंसर किए, काफ़ी लोगों ने 4-5 किए। तो इसका पहला आंसर था एग्रोनोमी क्वेश्चन जो था, उसका आंसर होगा मार्ग निर्माण का अधिकारी। जल मार्ग और स्थल मार्ग से इस समय व्यापार होता था, सैनिकों का आवागमन होता था, तो स्थलों का जो लैंड था उसका जो निर्माण अधिकारी था उसे एग्रोनोमी कहते हैं। दूसरा था कि 6 लाख की सेना, विशाल सेना थी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पास, उसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। तीसरा क्वेश्चन सीता था कि सीता क्या था मौर्य काल में, तो ये प्राइवेट लैंड था, जो राजा था उसकी अपनी भूमि जो होती थी उससे प्राप्त आय को सीता कहते थे, जिसे देखभाल करता था सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट था आपको ज्योग्राफी से, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एवरेज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है हर 32 मीटर की गहराई पर, ध्यान में आप रखेंगे, ये लिथोस्फीयर का टॉपिक था तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट था साइंस का नोड इंटरनोड, तो इसका जवाब हो जाएगा तना यानी स्टेम। और एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना से, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, इसे सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं, बिहार इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि बिहार जनसंख्या घनत्व में पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप पर है। आज का 10 क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले अगेन कुछ क्वेश्चंस आपको जवाब उसके देने चाहिए, इंस्टेंट जवाब देने होंगे, चूँकि बुक्स देखकर अगर आप जवाब देते हैं तो ये सही नहीं है। टाइम आपको मिलेगा तो आप बुक से देखकर इसे निकाल सकते हैं, इन्हीं बुक्स से इन प्रश्नों को बनाया जा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन मौर्य उत्तरकाल से है, जो कल आपको टॉपिक दिया गया था। आपको बताना है कि गाथा सप्तशती का लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंशियंट टेक्स्ट गाथा सप्तशती, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं, इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके लेखक का नाम आपको बताना है। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का दमन किसने किया था। अवध के आसपास ठग्स बड़े बहुत उत्पाती हो गए थे, इन्हें बाद में अंग्रेजों ने सप्रेस किया, दबाया। अब इस पर एक फिल्म भी आ रही है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो आपको बताना कि इस ठगी प्रथा का दमन किसने किया था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है, गवर्नर जनरल का नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है, आपको दिया गया था हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, आपको बताना है कि डॉगर्स बैंक किसके उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, डॉगर्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से है, आपको बताना है कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, हम सभी जानते हैं, आपने कल इसे अगर टॉपिक में पढ़ा होगा, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर कहां पाया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से किस साल तक सरकार चाह रही है कि जनसंख्या को स्थिर कर दिया जाए, स्टैटिक कर दिया जाए, मतलब जनसंख्या में वृद्धि रोक दिया जाए, इसके लक्ष्य कौन सा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से किस साल तक जनसंख्या को स्थिर कर दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चंस इनके आंसर आपको देने हैं। चलिए आज के 10 टॉपिक्स देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने लिया है सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया से भारतीयों का संपर्क। 1st सेंचुरी के आसपास मध्य एशिया से भारतीयों का संपर्क हुआ, 4 राजवंश इस समय दिखाई देते हैं, इंडो यूनानी, शक, पहलव यानी पार्थियाई भी बोलते हैं, पार्थियन बोलते हैं, और कुषाण। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 डायनेस्टीज आपको करने हैं, इसे आपको बुक में दिए जा रहे हैं, आपको इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गोल्ड कॉइन्स जो हम देखते हैं उसे इंडो यूनानियों ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। अगर 11th का NCERT है तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको जो हम बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है, ठीक ठाक है। दूसरा है टॉपिक ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमने लिया है जल धाराएं यानी ओशन करेंट्स।
इसे आप करेंगे चूंकि नेक्स्ट ओशन के बाद ये एक टॉपिक बड़ा अच्छा है। इसे आप अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन को ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा में बांटकर, हर ओशन में ठंडी और गर्म जलधारा को बांटकर इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में रेगुलर इससे क्वेश्चन आते हैं, गल्फ स्ट्रीम, वेंगुएला, कैनेरी, तो ये सारे जो जलधारा हैं इसे आपको करना चाहिए। दूसरा है ज्योग्राफी में ही, इंडियन ज्योग्राफी से आपको करना है भारत का भौतिक भूगोल, यानी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का इंडियन ज्योग्राफी। तो ये भारत का भौतिक भूगोल, इसमें आपको करना है भारतीय हिमालय, उत्तरी भारत का हिमालयी प्रदेश आपको इसमें करना है। इसमें हिमालय के अलग अलग सेक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, किस हिमालयी क्षेत्र में, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक, ये सब, ट्रांस हिमालय, ये सब आप करेंगे। इसमें जो अलग अलग दर्रे हैं, देहरादून कहाँ पाया था, इसे दून क्यों कहते हैं, हरिद्वार में द्वार क्यों कहलाता है, ये सब आप करेंगे। इसमें घाटियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घाटियाँ, इसे आप करेंगे। और पासेज, दर्रा जो क्रैक है बीच बीच में, इस दर्रे को आपको करना है, थागला, बोमडिला, जालेपला, तो ये सब आप करेंगे दर्रे को। इसमें ज्योग्राफी में हो गया, उसके बाद आइए साइंस के दो टॉपिक्स करने हैं। साइंस में आपको हम दे रहे हैं केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, तीन रासायनिक जो बंधन के प्रकार हैं उसे आप करें। इसमें आप खासकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आप करेंगे, इसके उदाहरण को जरूर आप करेंगे, इन तीनों बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स आप करेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, किसमें शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों होता है, ये सब आप इस रासायनिक बंधन में करेंगे उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, जहाँ तक संभव हो समझें। आर्ट्स के स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये सब शेयर होगा, तो इसे समझना चाहिए आपको, पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट साइंस से हम लोग ले रहे हैं, बायोलॉजी से लिए हम लोग ले रहे हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स बल्कि पोषक पदार्थ जो हम खाते हैं। पांच प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थों में पांच रूपों में मिलते हैं। इसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब आप, खनिज, मिनरल्स, ये सब, प्रोटीन, ये सब पांचों आप, ऑल द फाइव, ये जो अलग अलग इनके रूप हैं, क्या इनकी महत्ता है, क्या इससे हम पाते हैं, किससे एनर्जी मिलता है, किससे हमारा एंटीबॉडीज बनता है, ये सब डिटेल्स आप बायोलॉजी वाले सेक्शन में करेंगे। आज इकोनॉमी में हम लोग ले रहे हैं शेयर बाजार, यानी स्टॉक मार्केट, इसे आप करें, और साथ में यहीं पर आप कर लेंगे कि वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का नाम क्या है, जर्मनी के स्टॉक मार्केट को क्या कहते हैं, FTSE किस स्टॉक मार्केट का है, तो ये सब आप, हैंग सेंग कहाँ का है, निकेई कहाँ का है, तो ये सब स्टॉक मार्केट के नाम वर्ल्ड के, और भारतीय संदर्भ में शेयर बाजार, इसे समझने का, ये समझने वाला है। इकोनॉमी में इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, उम्मीद है, वरना हम लोग देखेंगे कि इसे आगे किस तरह से किया जाए। इकोनॉमी में हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बीच में ये उससे पहले सातवां टॉपिक, देखिए आठवां टॉपिक इकोनॉमी हमने कह दिया, उससे पहले आइए सातवां टॉपिक, पॉलिटी का केंद्रीय मंत्रिपरिषद करना है, इसमें प्रधानमंत्री मुख्य हैं, हमने राष्ट्रपति किया, उपराष्ट्रपति किया, आप प्रधानमंत्री करेंगे, उनके कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कौन कौन से इसमें अधिकार हैं, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कितना इसमें मिनिमम एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब इसमें हम लोग करेंगे मंत्रिपरिषद में। इकोनॉमी हो चुका है आठवां टॉपिक, नेक्स्ट नौवां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका संगठन का मुख्यालय और ये इसकी स्थापना का साल, यानी वर्ल्ड बैंक, UNO, ब्रिक्स, ILO, ये सब, WTO, ये सब संस्थाएं कब स्थापित हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप करेंगे। और दूसरा है उसके बाद बिहार का दसवां टॉपिक, बिहार में यूरोपियंस का आगमन, अच्छा टॉपिक है, इसे आप करें, क्वेश्चन बन जाता है, बिहार में यूरोपियन सबसे पहले कौन आए, कहाँ कोठियाँ स्थापित की, क्या व्यापार करते थे। आइए 11वां क्वेश्चन, जनगणना, जनगणना में जनसंख्या हम लोग करेंगे, पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, किस तरह से पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, तीन सबसे छोटे, तीन सबसे बड़े राज्य, भारत में जनसंख्या, बिहार में जनसंख्या में टॉप पर कौन है, टॉप तीन, और नीचे का, सबसे नीचे का एक लिस्ट में कौन सा ज़िला है जहाँ जनसंख्या सबसे कम है, तो ये सब करेंगे। और लास्ट में अब आ जाएं फिर से प्रतियोगिता दर्पण, यानी 12वां टॉपिक, देखिए प्रतियोगिता दर्पण हमने ऐड किया है, बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे चूँकि ये मैगजीन अवेलेबल नहीं है,
अब इसे आप कैसे करेंगे, आजकल तो नेट पे सब चीज़ उपलब्ध है, आप चाहें थोड़ा सा नेट का हेल्प लें, लेकिन आप देखें इसमें नवीनतम इस बार हम ले रहे हैं। ये दर्पण का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखिए इसमें दिया हुआ था, पहला ही टॉपिक था दर्पण में कि पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई अजय बिसारिया। उसके बाद दिया हुआ था कि ज्ञानपीठ अवार्ड कृष्णा सोबती को दिया गया है 2017 के लिए। उसके बाद मिस यूनिवर्स डेली ले नेल पीटर्स दक्षिण अफ्रीका की, ये चुनी गई, ये अब नवंबर में फिर नई चुनी जाएंगी, लेकिन तब तक आपको पुराने को भी ध्यान में रखना है। कभी कभी प्रेजेंट ना देकर एक साल पुराना दे देता है, हमने देखा है पीपीएससी में। तो ये उसके बाद मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। तो ध्यान दें, नवीनतम इसमें हम लोग करेंगे। इस तरह से 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कल 10 टॉपिक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जा रहा है, लगातार टॉपिक्स आ रहे हैं, एक दिन कल रिवीजन का टाइम दिया जा रहा है, कल करंट का टेस्ट सीरीज आएगा, 10 टॉपिक्स नहीं आएगा। कल रिवीजन करें और टेस्ट दें, तब तक आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ध्यान रखें, हमें इजाज़त दें, टेक केयर।